नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेटिंग यंग माइंड्स में, जहां आज हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल्स से मिलने वाले फाइबर से हम अल्टीमेटली अपने कपड़े बनाते हैं। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसके अलावा इस वीडियो में हम बहुत से इंटरेस्टिंग सवालों के आंसर्स जानेंगे, जैसे कि क्या फैब्रिक यानी कपड़ा एक कॉन्टिन्यूस पीस है, कैसे कॉटन का ये गोला थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है या कैसे इन थ्रेड से कपड़ा बनाया जाता है, कैसे धरती पर पाए जाने वाला एक छोटा सा इंसेक्ट सिल्क वॉर्म खुद मरकर हमें सिल्क फैब्रिक देता है। जी हाँ, सिल्क बनाने की प्रक्रिया में सिल्क वॉर्म मर जाते हैं। क्यों कभी भी किचन या लैब में काम करते समय हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है या इस वीडियो को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने चारों तरफ देखिए, आप पाएंगे कि हमारे कपड़े, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, टॉवल्स, कर्टेंस, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लोथ्स, शॉपिंग बैग और इवन हमारा स्कूल बैग, ये सब अलग अलग वैरायटी के कपड़ों से मिलकर बने हैं। इन सभी आइटम्स के फैब्रिक को टच करके देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये सारे आइटम्स डिफरेंट तरह के फैब्रिक से बनी हैं। तो अब सवाल यह बनता है कि फैब्रिक्स होते क्या हैं? ये फैब्रिक्स हमें मिलते कहाँ से हैं? कैसे ये सारी डिफरेंट आइटम्स फैब्रिक से बनाई जाती हैं? तो चलिए इन सवालों के जवाब देखते हैं। जब भी आप कभी कपड़े की दुकान में गए होंगे, आपने इस तरह के कपड़ों के बंडल जरूर देखे होंगे। ये फैब्रिक्स हैं। इन्हीं फैब्रिक्स की सिलाई करके इनसे डिफरेंट तरह की आइटम्स जैसे कि क्लोथ्स, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, टॉवल्स, ब्लैंकेट्स, शॉपिंग बैग्स, कारपेट्स इत्यादि बनाए जाते हैं। फैब्रिक्स की सिलाई या तो हाथों से की जाती है या फैक्ट्रीज में मशीन में की जाती है। तो चलिए अब हम इन्हीं फैब्रिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जब भी हम किसी कपड़े को देखते हैं तो वो हमें एक कॉन्टिन्यूस पीस की तरह नजर आता है, पर क्या फैब्रिक सच में एक कॉन्टिन्यूस पीस है? इसके लिए आप किसी कपड़े को ध्यान से देखिए। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए अपना कैमरा जूम करके इस कपड़े के टुकड़े की कुछ तस्वीरें लीजिए। आपने क्या नोटिस किया? आपने देखा होगा कि जब हम किसी फैब्रिक को दूर से देखते हैं तो हमें यह एक कॉन्टिन्यूस पीस की तरह नजर आता है, पर एक्चुअली यह एक कॉन्टिन्यूस पीस नहीं है। नजदीक से देखने पर पता लगता है कि फैब्रिक दो सेट्स के धागों की अरेंजमेंट से बना है। तो चलिए देखते हैं कि ये धागे क्या हैं। इन धागों को कहते हैं यार्न्स। आपने इन यार्न्स को कभी किसी टेलर की शॉप में या अपने घर में जरूर देखा होगा। यार्न्स क्या है, इसे अच्छे से समझने के लिए फैब्रिक के किसी टुकड़े के किसी कोने से कोई धागा निकालिए। इन धागों को यार्न्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फैब्रिक इन यार्न्स से मिलकर बनता है। तो चलिए अब हम यार्न्स को थोड़ा और पास से ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए आप कपड़े के टुकड़े से निकाले हुए यार्न के किसी एक हिस्से को अपने नेल से स्क्रैच कीजिए। आप पाएंगे कि यार्न और भी पतले पतले धागों में स्प्लिट हो गया। इन छोटे पतले धागों को हम फाइबर्स कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि यार्न्स फाइबर्स से मिलकर बनते हैं, या फिर ये कि बहुत सारे फाइबर्स को इकट्ठा करके उन्हें ट्विस्ट करके यार्न्स बनते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फैब्रिक्स यार्न से बनते हैं और यार्न्स फाइबर्स से बनते हैं। अब अगला सवाल यह आता है कि आखिर हमें ये फाइबर्स मिलते कहाँ से हैं? हमें फाइबर्स दो सोर्सेस से मिलते हैं, नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल और मैनमेड सोर्स। ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल फाइबर्स, जैसे कि कॉटन, जूट और कॉयर हमें प्लांट से मिलते हैं। कॉयर हमें कोकोनट हस्क से मिलता है। वहीं वूल और सिल्क फाइबर हमें एनिमल्स से मिलते हैं।
ऐसे फाइबर्स जिन्हें लैब में केमिकल्स की मदद से तैयार किया जाता है उन्हें कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक एटसेट्रा। कौन सी चीज किस फाइबर से बनी है ये जानने के लिए आप अपने घर के डिफरेंट आइटम्स के टैग्स को देखिए। आप देखेंगे कुछ चीजें कॉटन से बनी हैं, तो कुछ चीजें जूट से, कुछ पॉलिएस्टर से, तो कुछ वूल से। तो चलिए अब हम प्लांट फाइबर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉटन की। कॉटन यानी रुई के फाइबर्स हमें कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलते हैं। इन फ्रूट्स को कॉटन बॉल्स कहा जाता है। कॉटन मेनली ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में लगाई जाती है। इंडिया में कॉटन लगाने वाले कुछ मेन स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। जब कॉटन के ये फ्रूट्स पक जाते हैं तो इसमें से रुई बाहर आ जाती है। इन कॉटन बॉल्स को आइदर मैनुअली या फिर हार्वेस्टर की मदद से पिक किया जाता है। लेकिन इन कॉटन बॉल्स में फाइबर्स के साथ साथ सीड्स भी होते हैं, इसलिए इन कॉटन फाइबर्स को इनकी सीड से सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग। गिनिंग ट्रेडिशनली हाथों द्वारा की जाती थी, पर आजकल मशीन से की जाती है। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइबर की, जूट। जूट फाइबर हमें जूट प्लांट्स की स्टेम से मिलता है। जूट्स को रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। इसके लिए चाहिए एलुवियल सॉइल और स्टैंडिंग वाटर। इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में जूट की बहुत खेती की जाती है। जूट प्लांट को उसकी फ्लावरिंग स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद उसकी स्टेम्स को इकट्ठा करके पानी में डुबो दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेटिंग। जब स्टेम सड़ जाएं तो उससे आसानी से फाइबर्स को हाथों के द्वारा निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रिपिंग और पीलिंग। इस तरह से मिलता है हमें जूट फाइबर। काफी मात्रा में जूट फाइबर का इस्तेमाल शॉपिंग बैग्स और गनी बैग्स बनाने में किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं एनिमल फाइबर्स की। एनिमल से मिलने वाले दो इम्पोर्टेंट फाइबर्स हैं वूल और सिल्क। वूल हमें मिलता है शीप, गोट, रैबिट, याक और कैमल से। इन सभी जानवरों के बालों से हमें मिलता है वूल फाइबर। वूल यूज होता है गर्म कपड़े बनाने के, जैसे कि स्वेटर्स, कैप्स, शॉल्स, ग्लव्स, ब्लैंकेट्स इत्यादि। चलिए अब हम बात करते हैं सिल्क की। सिल्क एक बहुत ही कॉस्टली और फाइन क्वालिटी का फाइबर है। ये हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, जो मलबरी प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं। सिल्क वॉर्म के लार्वा एक स्टिकी फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, जिससे मिलता है हमें सिल्क फाइबर। ये लार्वा अपनी बॉडी को इस सिल्क फाइबर से कवर कर देते हैं और प्यूपा स्टेज में एंटर कर जाते हैं। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहा जाता है कुकून। सिल्क लेने के लिए हम इन कुकून्स को बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं, जिससे इसमें रहने वाला इंसेक्ट्स गर्म पानी से मर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 किलो सिल्क बनाने के लिए 6,600 सिल्क वॉर्म्स को जिंदा ही उबाल दिया जाता है? Isn't it sad? चलिए अब हम बात करते हैं सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स की। ऐसे फाइबर्स जिन्हें केमिकल्स की मदद से लैब में प्रिपेयर किया जाता है उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल हैं पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, नायलॉन, रेयन एटसेट्रा। सिंथेटिक फाइबर्स की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि यह चीप होते हैं, यह ड्यूरेबल होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से सूख जाते हैं, इन्हें मेंटेन करना बहुत इजी है, इनमें आसानी से रिंकल नहीं पड़ते, ये इजी टू वॉश होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं और स्ट्रेचेबल होते हैं, ये काफी स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इन्हें पैराशूट्स और रोप्स जैसी चीजें बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स की एक मेजर डिसएडवांटेज है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। सिंथेटिक फाइबर्स गर्मी से मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए कभी आपने सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा पहना हो और उसमें आग लग जाए तो वो पिघल कर आपकी बॉडी से स्टिक हो जाएगा। इसलिए कभी भी किचन में काम करते हुए या लेबोरेटरी में काम करते हुए हमें सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि फाइबर्स के स्ट्रैंड्स की ट्विस्टिंग से यार्न्स बनते हैं, बट एक्चुअली प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल्स से मिलने वाले इन फाइबर्स को यार्न्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? आंसर है स्पिनिंग। यार्न से फाइबर बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। स्मॉल स्केल पे स्पिनिंग चरखा और तकली की मदद से की जाती है, वहीं लार्ज स्केल पे यार्न्स बनाने के लिए मशीन से स्पिनिंग होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे यार्न्स को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। वीविंग और निटिंग के द्वारा डिफरेंट यार्न्स को अरेंज करके फैब्रिक बनाया जाता है। वीविंग के लिए लूम्स का इस्तेमाल किया जाता है। लूम्स या तो हाथों से चलते हैं या बिजली से। निटिंग यानी बुनाई से भी यार्न्स को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। बुनाई भी या तो हाथों से की जाती है या मशीन्स में। इस चार्ट में इस पूरे चैप्टर को समराइज किया गया है। प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल्स से मिलने वाले फाइबर्स को स्पिनिंग के द्वारा यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है और यार्न्स को वीविंग और निटिंग के द्वारा फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। फिर फैब्रिक को स्टिचिंग करके क्लोथ्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो आई होप अब आप फाइबर से फैब्रिक बनने की पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अपना चैप्टर खत्म करने से पहले एक बार हम हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल पर नजर डाल लेते हैं। पुराने समय में इंसान लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज, एनिमल स्किन और फर से अपनी बॉडी को कवर करता था। धीरे धीरे जब वो एग्रीकल्चर करने लगा तो उसने वीविंग करनी सीखी और उसने ग्रास, ट्विग्स, एनिमल हेयर और वाइन्स को वीव करके फैब्रिक्स बनाने शुरू किए। फिर आदमी को प्लांट फाइबर्स के बारे में पता चला और कॉटन और फ्लैक्स फाइबर्स को यूज करके फैब्रिक्स बनाने शुरू किए। उन जमाने में स्टिचिंग नहीं जानी जाती थी, इसलिए लोग सिंपली फैब्रिक्स को अपनी बॉडी के अराउंड ड्रेप कर लेते थे। आज भी ऐसे बहुत से क्लोथ्स हैं जिन्हें हम अनस्टिच्ड फॉर्म में पहनते हैं, जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन एक्सेट्रा। जब स्विंग नीडल का इन्वेंट हुआ तो लोगों ने स्टिचिंग सीखी और उसके बाद कपड़ों में बहुत सारी वेरिएशंस आज तक देखने को मिलती है। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग यंग माइंड्स को। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।